गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अंजू योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम अविराज वर्ल्ड स्कूल। वेलकम टू ऑल। हाउ आर यू स्टूडेंट? फाइन, वेरी गुड। टुडे आवर टॉपिक इज लेटर राइटिंग, है ना बेटा? आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? लेटर राइटिंग। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी राइट अ लेटर इन अ प्रॉपर वे, ठीक है ना? कैसे हम प्रॉपर वे में जो है वो लेटर लिख सकते हैं। तो वैसे तो लेटर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, मेनली हमें पढ़ना है उसमें कितने टाइप्स है बेटा? देर आर टू टाइप्स, वन इज फॉर्मल एंड द अनदर वन इज इनफॉर्मल। हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, है ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हमने इसमें लेटर लिया है वो लिया है फॉर्मल लेटर। सो व्हाट इज फॉर्मल लेटर? अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है? फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं हम लोग इसे, और एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि एक तो देखिए हम जो लेटर्स हैं, आप मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, एक तो लेटर्स हम लोग अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, है ना, उसमें हम कैसी भी अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं बेटा, ठीक है, वो इज ऑफिशियल पर्पज से लिखते हैं हम लोग उसको, तो उसमें हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल मीन्स जो है क्या होता है कि औपचारिक होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए, उसमें हमारे को वल्गर वर्ड्स नहीं होने चाहिए, रिस्पेक्टेड वर्ड्स हमें उसके अंदर यूज करने चाहिए, ठीक है ना? जिसको देखिए आप अपने टेक्स्ट सिस्टम जो है रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स। अब कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हमें फॉर्मल लेटर में जो है फॉलो करने पड़ते हैं, उसके जरिए हम ये जान पाते हैं कि हाउ कैन वी राइट द लेटर। फर्स्ट रूल इज, जब आप लेटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको उसमें क्या लिखना होता है बेटा? उसमें आपको लिखना होता है आपका एड्रेस, ठीक है ना, भेजने वाले का एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस। आप लेटर लिख रहे हो तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस उसके अंदर मेंशन करेंगे, ओके। द नेक्स्ट स्टेप इज डेट। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की आपको उसके अंदर क्या मेंशन करनी है बेटा? डेट मेंशन करनी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग, और इसे हम लोग कहते हैं रिसेप्शनिस्ट एड्रेस। मतलब आप अब किसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा। पहले तो एड्रेस आया है आपका, ठीक है, अब आप भी तो किसी को लेटर लिख रहे हो ना, उसके बाद भी किसका एड्रेस आएगा जिसे आप लेटर लिख रहे हो, ओके। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? कि आप किस चीज के ऊपर लेटर लिख रहे हो वो सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या नाम है, आपके जो एरिया है चोरी हो रही है, तो आपको उसके आप सब्जेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। या फिर आपके किस चीज की फ्रिक्वेंट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है कभी कभार उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, आप उसके रिगार्डिंग लेटर लिख रहे हो, तो वो सब्जेक्ट हमें यहाँ मेंशन करना होता है। गलती से अपना हिंदी इंग्लिश मैथ मत लिख देना इसके अंदर वो सब्जेक्ट लिखना होता है, हमें इसमें वो सब्जेक्ट लिखना होता है जिसके बेस पे हम लेटर लिख रहे हैं कि हम लेटर किस चीज के ऊपर लिख रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में आप लोगों ने देखा होगा रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ये लोग लिखते हैं उसके अंदर, वो हमारी ग्रीटिंग हो जाती है। ग्रीटिंग मतलब होता है अभिवादन करना, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। अब लेटर लिखने के बाद ना आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप किस चीज के ऊपर लेटर लिख रहे हो, उस लेटर का एक दो लाइन में हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, परिचय देना होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बॉडी। अब आप अपनी बात लिखोगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, है ना, आपकी क्या बात है, आप उस बॉडी में क्या जाता है बेटा, आपकी वो चीज, क्या चीज, कि आप किस चीज के ऊपर लेटर लिख रहे हो, है ना, पूरी मैटर आपको, पूरी बात आपको उसमें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। भाई अब आपका आखिर निकलता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, आखिर में क्या स्टेप लेना है आपको, है ना, क्या करना चाहिए, ठीक है, वो उसमें आ जाता है कंक्लूजन। द नेक्स्ट वन इज लीव टेकिंग। लीव टेकिंग मतलब अब आपका लेटर जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको एंड करना है। एंड कैसे करना है? योर्स फेथफुली, या तो आप उसमें लिख सकते हैं योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली, क्योंकि ऑफिशियल पर्पज डायरेक्ट सी बात है हम लोग यही लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली। उसके बाद फिर आपको अपना नाम मेंशन करना होता है,
ओके तो ये तो थे बेटे स्टेप्स, हाउ डू वी राइट द लेटर, हम लेटर कैसे लिखे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, जब मैंने सिर्फ कुछ पैटर्न बताया है आपको लेटर का, ठीक है, कि ये कैसे लेटर जो है एस मेंशन करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था, वो बताया था मैंने आपको सेंडर एड्रेस, तो ये आपका एड्रेस हो जाएगा, ऐसे एड्रेस लिखना है आपको। एक चीज का बेटा लेटर के इसमें बिल्कुल ध्यान रखना कि ये सब आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कौन सा साइड में होगा आपके, लेफ्ट हैंड साइड में। ये नहीं कि आपने, ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और आपने अपना एड्रेस राइट हैंड साइड में लिख दिया, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सारे एड्रेस आपके जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे आपके, ओके, दाएं, किस तरफ, बाएं तरफ। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद थोड़ा सा गैप देना है बीच में, उसके बाद आपको डेट लिखनी है किस दिन आपने लेटर लिखा है, ओके बेटा। उसके बाद फिर हल्का सा गैप देना है आपको बीच में, उसके बाद में आ जाएगा कि आपने किसको लेटर लिखा है। अब ये जो चीज मैंने लिखी है, ये लेटर है कि राइट अ लेटर टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन, आपको पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के पास में लेटर लिखना है किस चीज के ऊपर, कंप्लेनिंग अबाउट द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द लाउड स्पीकर, ठीक है ना, जो आपके मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, आपके एरिया में लाउड स्पीकर लगा लेते हैं ना, आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर, सबसे मंदिरों के ऊपर लाउड स्पीकर रख लेते हैं, सुबह 5 बजे से बजना शुरू होते हैं, पूरे दिन भर बजते रहते हैं, है ना। तो ये जो लाउड स्पीकर जो होते हैं आपके एरिया में जो लगाए गए हैं, उससे क्या होता है, आपके घर में डिस्टर्बेंस हो रही है, आपके एरिया में डिस्टर्बेंस हो रही है, जो स्टूडेंट्स है वो बाकी लोग जो है सब क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अब आपको उनकी शिकायत करनी है किसको, पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, तो आपको उसको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले लिखा आपका सेंटर एड्रेस आएगा, देन डेट, देन आपका जिसको आप लेटर लिख रहे, उसके बाद में आपसे कहा था सब्जेक्ट है, ओके, दिस इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि आप किस चीज के ऊपर लेटर लिख रहे हो। मैंने यहाँ लिखा हुआ देखो, डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द लाउड स्पीकर इन आवर लोकेलिटी, ओके। आफ्टर द रेटिंग आएगा, मैंने आपसे कहा था रिस्पेक्टेड सर, मैडम, क्लियर सर, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। फिर आपका 2-3 लाइन का बेटा क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, उसको बताना है आपको कि आप किस चीज के ऊपर लेटर लिख रहे हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी बात लिखनी है, भाई आपको क्या क्या परेशानी हो रही है, लाउड स्पीकर जो लगे हुए हैं, ठीक है ना, उससे आपको क्या क्या परेशानियां हो रही है, वो आपकी इस बॉडी वाले पार्ट में आ जाएगा 3-4 लाइन के अंदर। और लास्ट आपको जो है वो कंक्लूजन निकालना है, क्या आप जो भी एक्शन लेंगे, जो भी आप चीज करेंगे, उसके लिए आई शेल वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एंडिंग हो गया है, यहाँ पर आप योर स्पेशली लिखा है, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, देट फिर आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये पैटर्न होता है एक फॉर्मल लेटर लिखने का, ओके। इस पैटर्न को अपना कोई सा भी लेटर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझ में आ गया बेटा आप लोगों को ये, ठीक है। तो आप लोगों को मेन मेन ये स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, गलती से आपने सोचा इंट्रोडक्शन लिख दिया, बॉडी लिख दिया, तो गलत हो जाएगा, आपने स्टेप टू स्टेप जो है वो समझना है, याद करना है, देन फिर आपने क्या करना है, लेटर लिखना है, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आप लोगों को, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।